ट्रक ड्राइवर से पूर्व विधायक भटेरे के भाई पर मारपीट का आरोप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे ने निकाली रैली। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने के खिलाफ कांग्रेस ने मौन धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष महेश सहारे के नेतृत्व में ट्रक ड्राइवर्स ने एक ट्रक चालक के साथ लांजी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे के भाई राकेश भटेरे द्वारा मारपीट किए जाने के विरोध में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में पीड़ित ड्राइवर सलमान खान ने बताया कि माँ एग्रो इंडस्ट्रीज लांजी की गाड़ी चलाता है। 19 जनवरी को रात करीब 9 बजे श्रीराम राइस मिल बोले गांव में काटा करवाने गया था, जहां राइस मिल के मालिक राकेश भटेरे ने मोबाइल चार्जिंग में लगाने की बात पर मारपीट कर धमकी दी, जिसकी शिकायत लांजी थाना में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष महेश सहारे ने कहा कि ट्रक चालक के साथ मारपीट करने वाले पूर्व विधायक के भाई पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे समस्त वाहन चालकों के साथ आंदोलन करने बाध्य होंगे। जी, मैं कांटा करने गया था बोले गांव का, मुझे जाना था कल्पाथरी और कांटा उसका वहीं पर होता है, जिसके हमारे मुनिम को वहां पर कांटे पहुंच के फोन लगाना पड़ता है, प्लान चेंज होते रहते हैं। तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, मैंने फ़ोन चार्जर निकाला, फ़ोन निकाला, सिर्फ मेरे को 2 मिनट के लिए वहाँ चार्ज में लगाना था उसके मेल में फ़ोन। तो वहाँ पर सेट भी था राकेश भटेरे, उनने बोला अभी नहीं, बाद में करना। मैंने बोला हो सकता भैया, मैंने बोला बात क्या प्लान चेंज हो जाते हैं, एक बार कॉल लगाना जरूरी, शायद हो सकता दूसरी जगह जा सकता हूँ भरने के लिए। उसने बात समझ में नहीं आ रहा है, कैसे गाली बककर मुझे बात की उसने, मतलब भैया आप तमीज़ से बात करो, गाली गुफ्तार ना करो आप मुझसे। तो उसने बोला तो जिसकी घर में खड़ा है, कहाँ खड़ा है तो मालूम है, किससे बात कर रहा मालूम है, मैं भैया नहीं जानता आपको घर के, तो साले जिस जगह में तू खड़ा है ना वहाँ का मालिक हूँ मैं, जिस मिल का सेठ हूँ मैं, घर के बोला और मेरे को आके पास में एक झपड़ मार दिया उसने। मतलब भैया आप ये गलत कर रहे हो मेरे साथ, क्या गलत कर रहा हूँ बेकर के बोला, फिर दूसरा झपड़ मारा मुझे। अगर जनप्रतिनिधि लोग ही मारपीट करने लग जाएंगे तो हमारे ड्राइवर कहाँ जाएंगे। तो यूनियन में हमने फैसला लिया है कि अगर बालाघाट जिले में भी अगर कहीं ड्राइवरों के साथ मारपीट होगी और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आने वाले समय में फिर हमारे ड्राइवर साथ ही फिर हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ मारपीट होगी और हमारे साथ अगर प्रशासन भी खड़ा नहीं रहेगा तो हमारे पास एक ही सहारा बचता है कि फिर हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, कैसे गाड़ी चलाएंगे हम लोग, मारपीट करेंगे हमारे को बेवजह के। तो यूनियन ये बर्दाश्त नहीं करता, ये कार्रवाई होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर क्रांतिकारी नेता व पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने 23 जनवरी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से रैली निकाली। रैली हनुमान चौक से सुभाष चौक पहुंची, जहां नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात रैली कालीपुत्री चौक पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि वे महान क्रांतिकारी नेता थे और नेताजी सुभाष चंद्र ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हम उन्हीं क्रांतिकारियों की विचारधाराओं पर चलकर जिले के गरीब मजदूर व किसानों के हक व अधिकार व अन्याय एवं शोषण के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्याय व अत्याचार के खिलाफ हमारी जान भी चली जाए तो हमें मंजूर है, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। गाड़ी वाली बना के जैसे मुस्लिम नेता उनका जो है तरीका जेल बना करके और उनके साथ में एक मुस्लिम उनका साथी भी गया, वो तो हिंदी बात करते कि ऐसा रहा कि दोनों मुस्लिम ही हैं और वो निकलेगा फिर म्यांमार और म्यांमार चलेगा फिर जर्मनी इटली और जर्मनी में जाकर वो मिले थे उस जमाने के लोग बहुत पहले कहाँ जाते हैं हिटलर से बोला कि मैंने उनसे कहा कि मुझे मदद चाहिए आपके, मुझे भारत को आज़ाद कराना है, इसके लिए मेरे तो ऐसे किसी काम के नहीं। हिटलर खुश हुआ उनसे मिले का तो पूरी मदद करेंगे आपको, हिटलर ने कहा। फिर मुसोलिनी के पास गए इटली के जो खाना खाते मुसोलिनी उनसे मिले, उन्होंने कहा आप मिला कहा हम भी आपको मदद करेंगे और बहुत खुश हुए कि भारत की आज़ादी के लिए कि यहाँ तक आए हुए भारत में आए हुए।
असम के मुख्यमंत्री द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कराए जा रहे हमले व कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने व उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय हनुमान चौक में मंगलवार को मौन धरना प्रदर्शन कर विरोध किया गया। इस दौरान बालाघाट क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ जो असम में घटना हुई उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा की सत्ताधारी सरकार के द्वारा वैमनस्यता व आपसी नफरत फैलाई जा रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा में आपसी सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल जी असम में भगवान शंकर देव के दर्शन करने हजारों समर्थकों व आम जनता के साथ मंदिर पहुंचे तो उनको सत्ताधारी भाजपा सरकार द्वारा रोका गया व अमानवीय कृत्य किया गया। राहुल गांधी को अनुमति भी थी, बावजूद उन्हें रोका जाना गलत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 जनवरी को जबलपुर में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक और इससे पूर्व उज्जैन में दिए निर्देशों को बालाघाट में तत्परता से 1 माह के पूर्व ही मूर्त रूप दिया गया है। सीएम डॉक्टर यादव के निर्देश थे कि कई नए थाने व चौकियां बन, लेकिन उनकी सीमाओं का निर्धारण उचित रूप से नहीं हुआ। इस कारण आम नागरिकों को थाने व चौकियां सुविधाजनक नहीं है। इसलिए जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला अभियोजन अधिकारी की प्रत्यायोजित समिति की बैठक में निर्णय करें। सीएम डॉक्टर यादव के निर्देश पर उनकी मंशा को बालाघाट में मूर्त रूप दिया गया। 19 जनवरी को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र लिखा है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद गांव व प्रस्तावित थानों में शामिल हो जाएंगे। भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दीपावली की तरह हर घर पर रंगोली, लाइटिंग एवं दीपों से पूरा उकवा क्षेत्र जगमगा उठा। रामलला के नारों से एवं पटाखे की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। उकवा दुर्गा मंदिर में 21 जनवरी 9 से 22 जनवरी सुबह 9 बजे से अखंड रामायण पाठ कराया गया एवं 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री रामलला की डीजे एवं बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्राम के बच्चों को राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान बनाकर मनमोहक झांकियां निकाली गईं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर के बूढ़ी माता मंदिर के पास राधे कृष्ण सेवा समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का संगीतमय आयोजन 18 जनवरी से किया जा रहा है। 24 जनवरी को हवन पूजन एवं महाप्रसाद वितरण के साथ समापन किया जाएगा। मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा मिलन एवं प्रेम का वर्णन किया गया, जिसमें भक्ति भजनों के बीच श्रद्धालुजन झूम उठे। कथावाचक पंडित अविनाश तिवारी ने आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यासपीठ पर अपने मुखारविंद से कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने मित्र प्रेम का आचरण अपने सखा सुदामा के साथ प्रस्तुत किया, जो कालांतर तक अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायी रहेगा। इष्ट के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने भगवान के प्रति किसने सबसे बड़ा कोई त्यागी अगर रामचरितमानस में है तो वो है हमारे हनुमान जी महाराज। आप लोग सोच रहे होंगे कि भरत जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं इसका भी कारण बता देता हूँ। इसे वाले भाग में जो हमारे इष्टदेव श्री रामचंद्र जी का 500 वर्ष का जो इतिहास है उसी के हमने याद में एक महापुराण का आयोजन किया है और उसमें हमारे महापुराण वाचक जो है पंडित अविनाश तिवारी जी, इनके मुखारविंद से मुखरित हो रही है। और भागवत पुराण का हमारा उद्देश्य था कि 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक दिवस हमारे हिंदुस्तान में मनाएगा, वरन हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।
आज ग्रीन पार्क स्टेडियम चांगोटोला में पिछले 15 दिनों से खेले जा रहे लेदर बॉल अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ, जहां आज फाइनल मैच का आयोजन था। फाइनल मैच जबलपुर जेपी 11 व नदीम 11 बालाघाट के बीच खेला गया। जबलपुर 11 ने मैच के दौरान 8 ओवरों में 104 रनों पर 4 विकेट के साथ मजबूती से लक्ष्य का पीछा किया। वहीं बालाघाट नदीम 11 की स्टिक गेंदबाजी के आगे जबलपुर 11 घुटने टेकते हुए 144 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह बालाघाट नदीम 11 ने जबलपुर जेपी 11 को 26 रनों से इस फाइनल मुकाबले में शिकस्त देते हुए यह फाइनल मैच अपने नाम किया। तो जबलपुर के अंदर क्रिकेट का बहुत जबरदस्त माहौल है और इनका जो रेलवे ग्राउंड है ना क्रिकेट का, तो बहुत जबरदस्त है। और शिवाजी ग्राउंड अपना बहुत बढ़िया, बच्चे खेलते हैं, आप बहुत अच्छा खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सचिन भी आउट होता है, तेंदुलकर भी आउट होता है, विराट कोहली भी आउट होता है, टीम भी आउट होती है, वीरेंद्र सहवाग भी आउट होता है, लेकिन तैयारी रखो, आप लोग जीतोगे। बालाघाट की टीम क्रिकेट से लेके स्पोर्ट्स से लेके एजुकेशन से लेकर के हर चीज में एक नंबर है। बालाघाट ये प्रदेश के अंदर जग जाहिर है और सारे बच्चे हमारे बहुत जबरदस्त ट्रेंड है हर स्पोर्ट्स। नगरपालिका परिषद द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की लाखों रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर ठेकेदार गजेंद्र भारद्वाज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गजेंद्र ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत उनके द्वारा अनेक निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसमें सीसी रोड, आरसीसी नाली निर्माण, हनुमान मंदिर के पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य किया गया है, जिसका करीब नगरपालिका से 32 लाख रुपए का भुगतान होना है। वर्ष 2021 से 2024 तक उक्त बकाया राशि का भुगतान किए जाने नगरपालिका अधिकारी को कई बार आवेदन दिया गया। नगरपालिका में एक महीने के लिए जो प्रभारी सीएमओ बनके दिशा डहरिया जी ऐसा कुछ नाम है उनका, वो सीएमओ बनके यहाँ पे आई थी। पूर्ण रूप से तानाशाह रवैया अपनाते हुए उन्होंने मेरी हनुमान मंदिर के पीछे की दुकान में ताला लगा के आ चुके हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने इतने लेटर नगरपालिका में लिखे, जब उन्होंने अपने पैसे के लिए नगरपालिका की जो मेरे द्वारा दुकान ली गई थी उसमें ताला लगाए, तो क्या हमारे जो पैसे बचे हुए नगरपालिका में, तो हम लोग भी नगरपालिका पहुँच के सीएमओ के ऑफिस में ताला लगाए क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और अगर कल तक के मुझे इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो कल से मैं धरने में बैठूँगा।